हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में दो दर्जन से ज्यादा विद्यालयों के लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने बुलंदशहर में एक विशाल रैली निकाली। इस रैली का मकसद स्वच्छ भारत बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने शहर के मुख्य चौराहों और कॉलोनियों में जाकर लोगों को जागरूक किया। रैली को जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जन जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं के हाथों में स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखी तख्ती देखी गई। इस रैली में लगभग विद्यालयों के 2000 छात्र छात्रा और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह जनपद के 25 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के बच्चे बच्चियों द्वारा, जो कि 1200 से ज़्यादा की संख्या में बच्चे बच्चियां, स्वच्छता पर जन जागरण हेतु आज बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। हमारा मानना है कि हर एक घर से कूड़े कचरे निकलते हैं और वही कूड़ा कचरा जो है सो समाज में बीमारी का भी कारण बनता है, और इस तरह से रैलियाँ निकाल कर जन जागरूकता करने से लोगों पर असर पड़ता है, उनका ध्यान एकत्रित होता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत दिन से चल रही हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि 100% कचरे का निस्तारण अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए कहीं कहीं आपको बाहर में कचरा दिखता है। आज की रैलियां इसी तरह से जन जागरूकता के लिए निकाली गई हैं, और हमें ये आशा है इस रैली के बाद जो गंदगी की स्थिति है उसमें सुधार होगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हम सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।